निर्वाचन रे देखंतु मु इंडिपेंडेंट भाव रे ठिया हेची जन स्वाधीन प्रार्थी भाव रे एठी प्रतिनिधित्व करूची। बीरमुद्रापुर निर्वाचन मंडली विकास धारा रु बहुत दूर रे पळे जायची। ए निर्वाचन मंडली लोक मान कर दुख दुर्दशा कहिले न सरे। जोठी जिवे रोड ठीक नहीं, कोठी ब्रिज नहीं, कोठी कलवर्ट नहीं, ये समस्या अनेक जगह बिजुली पानी रो भी समस्या बढ़ी जाइछि। मु कहिबापाई चाहे आज देखंतु निर्वाचन सभा हेतिला, पांडियन सार आसतिले, समस्ते तांगु पांडियन सार कहंती। कौन एमती से लोक पाखे अच्छी जे किछि नथिले भी तार सब किछि अछि। एडे बड़ लोकटा सब बेले हेलिकॉप्टर रे बुलुछि, लोकंकर टैक्स पैसा रु से हेलिकॉप्टर बुलुछि। आपण माने देखंतु आज आसतिले पांडियन जेते आसी रोड रे हजार हजार गाड़ी ठिया है, ट्रक मान को ब्लॉक कर दिया है। आज देखंतु सबुठ मजादार कथा रहला, आज बीरमुद्रापुर रो थाना रे प्रथम थर ताला बंद देखिया को मिलिछ। एवं लोक माने उपहास करुछंती जे आज थाना बंद है, कोई भी मारपीट होने से कोई केस नहीं होगा, आज थाना बंद है। तो ऐसा आदमी लोग बोल रहा है बीरमुद्रापुर क्षेत्र में। तो ये सरकार का उपहास है, ये सरकार को लोग मजाक में ले रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ पांड्यन आए कि आपका नवीन पटनायक आए, वो हेलीकॉप्टर में आने से भी यहाँ अपना सत्ता नहीं बचा पाएंगे बीरमुद्रापुर में। मैं चैलेंज देता हूँ, ये जो दो पार्टी खड़ा है शंकर ओराम और इधर जोर तिर्की का बेटा रोहित जोसेफ तिर्की, इन लोग को अगर मोदी भी आएगा तो भी ये लोग यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि इस बार पैसा का नहीं, जितना ये लोग सोच रहा है कि पैसा से हम लोग इस बार जीत जाएंगे, यहाँ पैसा का कोई खेला नहीं चलेगा। यहाँ इस बार लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। वो लोग जो वोट देते हैं उसका कीमत आज वसूल करना चाहते हैं। वो जो अपना वोट देते हैं उसको लोग सही जगह में देना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं सभी को मैं बोल रहा हूँ कि आप सत्ता परिवर्तन कीजिए, कुछ करना है तो हम करने के लिए तैयार है। आप लोगों का सारा काम करने के लिए तैयार है, बीरमुद्रापुर का विकास करने के लिए तैयार है। बीरमुद्रापुर का जो BSL कंपनी का मुद्दा है, 25,000 युवाओं का मुद्दा है, हम उन लोगों को कैसा नौकरी दिलाएंगे हम जानते हैं। हम करेंगे, आप लोगों के लड़ेंगे यहाँ। मैंने एक बार आप मुझे निर्वाचित कर दीजिए। देखिए सर, आपका बात हम कट के करते हैं। समस्या मतलब राजेश क्रिकेटा है, इसमें क्या बोलेंगे आप? देखिए कहीं भी कोई समस्या आता लोग मुझे ही बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान करने के लिए भी मैं आता हूं और आके उस समस्या का कहीं ना कहीं निदान और समस्या का समाधान करने में मैं सक्षम हो ही जाता हूं। देखिए हर पार्टी का एक तो बोल है, इसे लाख पार और भी है हमारा सरकार, लेकिन ये कैसे बोलना चाहेंगे जी? देखिए अब जो समस्या के ऊपर काम कर रहे हैं गरीब के लिए, उसके क्या बारे में बोलेंगे? देखिए ये सत्ता का अहंकार है, लोग अहंकार में बोलते हैं। आज नवीन पटनायक का टिकट पाके जिस आदमी का रैंक उठा नहीं पा रहा, धीरे धीरे डाउन हो गया इन लोग का साथ। निर्वाचन सभा में या गांव-गांव घूमने के लिए आदमी नहीं मिल रहा। आप सोच लीजिए कैसा ये लोग चुनाव लड़ रहा है, क्या ये लोग का मैंने स्थिति है, आप जान जाएंगे, यहाँ का लोग जान जाएगा। आदमी यहाँ देखिए धीरे धीरे सत्ता का एहसास होने लगा है कि परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जो शंकर ओराम विधायक, उनको लोग नकार रहे हैं, कहीं पर मीटिंग करने नहीं दे रहे हैं वो लोग को। उसको मैंने शंकर ओराम कहीं पे जा रहा है तो मीटिंग से पहले लोग उठ के चले जा रहे हैं। मैंने ऐसा नतीजा देखने को मिल रहा है यहाँ पे हर क्षेत्र में और हर जगह लोग बोल रहे हैं शंकर ओराम कोई काम नहीं किया पिछले 5 साल में कहीं भी। अभी अभी तो अब हम लोग का निर्वाचन मंडली में हर गाँव में घूम रहे हैं, तो गांव वाला उसमें क्या आपका बता रहे हैं, तकलीफ क्या बता रहे हैं आप लोगों को? देखिए आज मैं सुबह से भी बीरमुद्रापुर म्युनिसिपैलिटी में घूम रहा हूं, लेकिन लोगों का एक ही बात कहना है। लोग सबसे पहले एक बात बोल रहे हैं और वो बात है कि रोजगार का मुद्दा। इनके पास रोजगार नहीं है, घर में 2-3 बेटे हैं, किसी के पास रोजगार नहीं, बाप अकेला कमा रहा है, इस तरह का बात हर जगह देखा जा रहा है। और कहीं एक भाई आपको निर्वाचन में अगर निर्वाचन से आप जीतते हैं तो क्या आप रोजगार देंगे यहाँ? देखिए अगर यहाँ के लोग मुझे निर्वाचित करते हैं तो सबसे पहला मुद्दा रहेगा मेरा रोजगार का। वो किसी भी क्षेत्र में हो, कहीं पर भी हो, कोई प्लांट में हो या BSL कंपनी में हो, मेरा एक बात कहना है। BSL ने 25,000 युवाओं का नियुक्ति और उसी के साथ पुरना पानी चूना पत्थर जो माइंस है उसको पुनरुद्धार करने के साथ 15,000 युवाओं को उसमें नियुक्ति, और हम लोग का जो प्लांट है फार्मोटा में इंडक्शन प्लांट हो चाहे स्पंज आयरन प्लांट हो, हर प्लांट में 150 आदमी का नौकरी का व्यवस्था करने का मेरा सबसे बड़ा बात है।